भाभी मम्मी कैसा हो गया है ना आजकल, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छी नौकरी में लगाओ, बाद में इनको वहां जाके प्यार हो जा रहा है ना, माँ बाप ने इतने साल करा उसका गुत्थी में चले गया हो, प्यार हो जा रहा है, फिर ये कुछ नहीं देख रहे ना जात ना पात, बस लड़की देखी लड़की का खाप देखा उसी में शादी हो जा रही है। अरे खाप भी देख लेते फिर, आजकल तो नहीं काली गोरी लंबी चौड़ी मोटी टेढ़ी सब चल रही है इनकी, अब हम नाम रखेंगे तो कहेंगे मम्मी तू तो बाहरी का आवरण देखती है अंदर लड़की का गुण क्या है वो नहीं देखती करके। अरे थोड़ा बहुत देखना नहीं पड़ता है क्या? चल मान लिया बाहर की जात की लड़की हमने घर में बैठा ली, अब हमने कितने लोगों की दुल्हनियों को नाम धरा ठहरा, हमारी बहू को नहीं धरेगा क्या कोई नाम? बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं रे बच्चे, लड़कियां ला दे रहे हो कहीं से भी ढूंढ के, लड़का लड़के कहीं से भी लड़का ढूंढ के ले आ रहे। हमारे घर में देख लो अब अपनी बहन के बच्चों से अपने बच्चों जैसी ममता होने वाली हुई ना, अपने नंद के बच्चों से नहीं होती अभी उतनी ना। अब जैसी मेरी दीदी का लड़का है रोहित, ऐसा देखने में शुभ ठहरा भुष बिल्कुल, उसको देख कर कह दे कोई किसी लड़की से बात भी करता होगा बाद में लव मैरिज करके लाया ठहरा, पंजाबी नहीं है बहू जब वो अच्छी है लड़की, हमारा संस्कार भी सब करने का कोशिश कर रही है, लेकिन भाषा भाषा कौन बदल देगा उसकी, बहू हमारी खुद हिंदी में पंजाबी घुसेड़ती रहती है। अब परसों जैसे वो आया लेके हमारे घर में, मैंने कहा गुरप्रीत बेटा तेरे लिए ब्रांश का जूस बना के लाऊं, तो कह रही रे मासी मासी आएगी, अभी मौसी भी नहीं कहती हाँ, अरे मासी ये गिलास में पा दो। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं है गुरप्रीत, अपनी मौसी सास से पा दो करी है तू, तू पा दो इसमें मैं क्यों पा दो। तो रोहित कह रहा मौसी ऐसा क्यों करी है उससे, पा दो मतलब इसमें डाल दो, तो मैंने कहा गिलास में डाल दो, फिर पा दो क्या कर रही है बेतमीज। फिर मुझे करी मौसी तू सी किन्ने दे हो, मैंने कहा तू मेरी कीमत लगा रही है, अब तेरी सास की बहन हूँ मैं, तो करी किन्ने दे हो मतलब कितने दे कहाँ से हो मौसी करी। मैंने कहा बेटा तेरे को बीच बीच में पंजाबी घुसने में मजा आता है, जब मेरे को समझ नहीं आ रही है तेरे को पता चल रहा है तो। मैंने कहा तेरे पापा क्या करते हैं, कहते पियो। मैंने कहा तुम पियो, तेरे बाजू पिए, तेरा खानदान पिए, हमारे घर की औरतें नहीं पीती हैं। रोहित कह रहा मौसी पियो पापा को कहते हैं, क्या तेरे से पापा पूछ रही है पियो करके। मैंने कहा पापा बोल डैडी बोल बाजू बोल बाजू बोल पियो को कह रही है। फिर मैंने कहा यहाँ आए हो कहीं जाने भी वाले हो, करी मासी हम तो गेड़ी लगाने जा रहे हैं। मैंने कहा गेड़ी क्या ठहरा रहे गुरप्रीत, अरे घूम के आने वाले ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही ठहरी घर में, जाते टाइम आते टाइम मासी किद्दा गई किद्दा हो कशी हो पूछ मासी प्रणाम कर ने ना किद्दा, महिला संगीत में बैठे रहे ऐसी बातें करती है चीनी लपेट लपेट के क्या बताऊं। मुझे कह रही मासी तुम तो पटोला लग रहे हो बल। मैंने कहा क्या ठहरा पटोला, अरे सुंदर लग रहे हो बल। मैंने कहा बल कौन दिखने छी को मैं पटोला। फिर रोहित ने पूछा मौसी मौसा जी कहाँ है, तो खरी मौसी मौसा जी सुते पाए हैं। मैंने कहा तेरे मौसा जी सुते नहीं पीते हैं बेटा, क्या सोच रही है तो हमारे घर में नहीं चलता है ऐसा नशा घर के अंदर। तो रोहित कर मौसी सुते पाए पूछ रही है सोए क्या मौसा जी कर। मैंने कहा गुरप्रीत दे बेटा मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, तू बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये बीच बीच में जो तू पंजाबी मेरे को फेंक के मार रही है ना मत मार, मेरे को बाया दाया सीधा उल्टा ऐसा समझ में आता है, तेरा सज्जे खब्बे नहीं आ पा रहा है बेटा, तेरा तू भी पहाड़ी के शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो तेरे रिश्तेदारों का भी भला हो जाएगा ना।